हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो गाइज, एज आई प्रॉमिस यू दैट वी विल कंडक्ट अ डेमो एग्जामिनेशन फॉर द एस्पिरेंट्स, दोज आर विलिंग टू गिव द लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स 2021 फॉर द 5-year एंड 3-year कोर्स एज वेल. सो गाइज, हियर वी आर विद द डेमो एग्जामिनेशन. अ फ्री डेमो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर द स्टूडेंट्स, दोज आर विलिंग टू गिव द लॉ एंट्रेंस एग्जाम. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल द अपडेट regarding with the law entrance exam and the legal awareness. Also, please do watch complete video so that you will get all the information related with the law entrance demo examination and will not face any problem during the demo examination. So guys, इस demo examination को access करने के लिए आपको description box में एक link मिल जाएगी. वहाँ से directly आप इस website पर आकर जो demo examination है वो solve कर सकते हैं. लेकिन बहुत बार ये होता है कि बार बार एक ही लिंक पे क्लिक करने की वजह से वो स्पैम कंसीडर कर दिया जाता है और बहुत बार वो लिंक ओपन नहीं होती. इसी के लिए मैं दूसरी मेथड भी आपको बता देता हूँ. अगर आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है वो ना ओपन हो तो आपको सिंपली गूगल पे आ जाना है. गूगल पे आने के बाद आपको सिंपली मेरा नाम या फिर vaibhavedike.com जो मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है. आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे आपको लगभग ये वेबसाइट जो है मिल जाएगी. यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है. क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट जो है खुल जाएगी. यहाँ पे आप ब्लॉक सेक्शन जो है वो देख पाएंगे. ब्लॉक पे आपको क्लिक कर देना है. क्लिक करने के बाद आपको पहले ऑप्शन मिलेगा MHCET डेमो एग्जाम फॉर 3-year/5-year एग्जाम. तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है. क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, वेलकम टू योर MHCET डेमो एग्जाम फॉर 3-year and 5-year. यहाँ पे आपको साइन इन करने की भी ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है. इसी तरीके से आप मोबाइल पे भी इस टेस्ट को जो है वो दे सकते हैं. आप यहाँ पे टाइमर देख पा रहे होंगे. आपको यहाँ पे ये जो एग्जामिनेशन है ये सॉल्व करने के लिए लगभग 50 मिनट का समय जो है यहाँ पे मिलेगा. जो भी आपके टॉपिक्स है, जैसे लीगल एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है, इन सब पर 10 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. मतलब टोटल 40 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे. उसके लिए आपको 50 मिनट का, मतलब 50 मिनट्स का टाइम जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा. यहाँ पर आपको सिंपली जो आपको लगता है कि आंसर है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर ऑफ एज, शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल, और ही शुड बी इलेक्टेड एज अ मेम्बर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल. सो मेरे हिसाब से 4 जो है वो करेक्ट आंसर है. इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं. हर पेज पे आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे. यहाँ पे आपको प्रीवियस और नेक्स्ट करके आप जो है इस डेमो एग्जामिनेशन को पेज जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं. यहाँ से आपको जैसे आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है. उसके बाद आपको 10 क्वेश्चन जो है नीचे आपको जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे. उसके बाद आपको लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे. और उसके बाद आपको इंग्लिश के 10 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे. सारी ये सॉल्व करने के बाद आपको सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है. यहाँ पे बस आपको मैथ्स का जो सेक्शन है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा वेरिएशन जो है मैथ्स में होता है, इसलिए मैथ्स के क्वेश्चन मैंने पुट अप नहीं किए हैं. तो आपको सिंपली जैसे आपकी पूरी एग्जामिनेशन ये सॉल्व होती है, आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है. बस मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप अगर ये एग्जामिनेशन सॉल्व कर रहे हैं तो ये जो आंसर्स है इसको गूगल ना करें. आप जितना खुद से ट्रांसपेरेंट रहेंगे उतने ही अच्छे मार्क आप आपके एग्जामिनेशन में जो है वो स्कोर कर पाएंगे. इसलिए कोई भी क्वेश्चन को गूगल ना कीजिए. आप सिंपली आपको जितना आता है उतना सॉल्व कीजिए. इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी हुई है. जैसे आप पूरी एग्जामिनेशन सॉल्व करते हैं, आपको सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है. सबमिट बटन पे ही क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या है और आपने क्या सिलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पे सिंपली दिख जाएगा. तो इतने सिंपल तरीके से आप ये एग्जामिनेशन जो है सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टीज आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं. उसकी भी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी. यहाँ से आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. सो दोस्तों, आई होप इससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी. So guys, I hope this demo examination will definitely help you to get a general idea related with the law entrance exam. If you have any queries, please let me know in the comment section. You can also message me personally on the Instagram account, link in the description. Thank you. Have a nice time.